थैनोस एक बार फिर से आ चुका है इस धरती पर राज करने के लिए, और जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। इस बार देखता हूँ कि कौन सा एवेंजर मुझे रोक पाता है। इस बार तो मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि इस बार मैं टाइटन ग्रह को भी जीत कर आ चुका हूँ और मेरी शक्तियाँ अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखो, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। गाइस यार, काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो चुका है, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी सिटी में थैनोस आ चुका है और वो काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो मैंने एक आइडिया सोचा है, क्यों ना हम एमिनेशन की शॉप पर जाएं और वहां पर कुछ बंदूक ले, जो मतलब हाईटेक की बंदूकें होंगी, और उसके साथ हम थैनोस का शिकार करेंगे। गाइस इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मैंने ये प्लान सोचा है। तो चलो गाइस, जल्दी से मैं अपनी बाइक पर बैठता हूँ। और गाइस ये वाली बाइक, बताओ यार ये वाली बाइक कैसी लगी आपको? मैंने इसको काफी ज्यादा एडवांस मॉडिफाई करवा लिया है, इसलिए देखने में यार काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। गाइस मुझे बस इस बात का डर है कि हमें थैनोस रास्ते में मिल ना जाए और हम पे हमला ना कर दे। तो चलो जल्दी से एक बार एम्युनेशन की शॉप पर जाते हैं और काफी हाईटेक बंदूकें ले लेंगे, जिससे हमें थैनोस का खतरा भी नहीं रहेगा। और गाइस मैं सोच रहा हूँ, हम एक बार थैनोस पर अगर हमला कर देंगे तो हम उसका गॉन्टलेट, जो उसके हाथ में गॉन्टलेट होता है, उसको निकाल लेंगे और उसको पहनकर देखेंगे कि हम में भी वो शक्ति आती है नहीं आती जो कि थैनोस के पास है। तो गाइस इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो एक बार जल्दी से है ना, मैं एक बार उसकी गन की शॉप पे जाता हूँ और जल्दी से है ना मैं सारी हाईटेक गन्स को एक बार खरीद लेता हूँ। सो गाइस ये देखो, मैंने इस एम्युनेशन की शॉप से ये एक हाईटेक बंदूक ले ली है और साथ में एक बैग भी लिया है, जिसके अंदर मैंने कई सारे बॉम्ब्स भी डाले हैं जो कि हमें थैनोस के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे, जैसे कि टीयर गैस और कई सारे स्टिकी बॉम्ब्स भी लिए हैं। और गाइस जो ये वाली बंदूक है ना, ये इतनी हाईटेक कि हम इससे किसी एलियन का भी मुकाबला कर सकते हैं और उसे इजिली हरा ही सकते हैं। तो चलो गाइस अपनी बाइक पर बैठते हैं और अब हमारा काम है थैनोस को ढूंढने का। तो चलो गाइस हमें सबसे पहले बीच पर पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि हमें थैनोस वहीं पर मिलेगा, क्योंकि गाइस या तो बीच पर मिल सकता है वो, या फिर मिल सकता है एयरपोर्ट पर, क्योंकि गाइस एयरपोर्ट पर भी काफी ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं। तो थैनोस को पता है कि वो सबसे ज्यादा तबाही या तो बीच पर कर सकता है या फिर एयरपोर्ट पर कर सकता है। तो चलो गाइस सबसे पहले हम एक बार बीच पर जाकर चेक कर लेते हैं कि थैनोस वहां पर है या नहीं है, और अगर वहां पर नहीं होगा तो फिर हमें पक्का मालूम है कि वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही जाएगा। तो चलो गाइस एक बार जल्दी से मैं बीच पर पहुंच जाता हूं। सो गाइस अभी हम बीच पर आ चुके हैं, लेकिन ये क्या? ओह माय गॉड गाइस यार, ये देखो थैनोस यहां पर कितनी ज्यादा तबाही मचा कर गया है। ओ भाई साहब यार, कितने ज्यादा लोगों को बुरे तरीके से मारा है यार उसने। ओ भाई यार, कितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दी है भाई साहब। यहां पर शायद रिपोर्टर आए हुए हैं ये इधर, और यहां पर यार ये देखो, ओ भाई कितनी ज्यादा लाशें बिछा रखी यार थैनोस ने। सच में यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे उससे सावधानी से लड़ना होगा। तो चलो गाइस जल्दी से एयरपोर्ट पर चलते हैं और हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, कहीं वो हम पर भी हमला ना कर दे। तो चलो गाइस, अब मुझे पक्का पता है कि वो एयरपोर्ट की तरफ ही मिलने वाला है। ओ भाई यार, कितना ज्यादा लोगों को मारा है, यहाँ तक गाड़ियां बिखरी पड़ी है। गाइस एक बार थैनोस बस मुझे मिल जाए और उसे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। माय गॉड गाइस, ये रहा थैनोस, ये रहा बिल्कुल हमारे सामने है। ओ भाई साहब, मुझे काफी सावधानी बरतनी होगी यार, अगर इसने मुझे देख लिया ना ये तो पक्का जान से मार ही डालेगा। गाइस जल्दी से अपनी उस गन को निकालता हूँ, और ये मैंने अपने गन निकाली और इस पर जल्दी से हमला कर ही देता हूँ। ये ले ये ले ये ले, ओ माय गॉड गाइस, हमने उस पर हमला कर दिया है और वो फिर से उठ रहा है। रुक तेरे तो, ये ले ये ले ये ले ये ले। गाइस मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, पहले इसके पास है ना अपने स्टिकी बॉम्ब्स डाल देता हूँ ताकि मुझे कोई खतरा ना रहे। जल्दी से एक बार अपने स्टिकी बॉम्ब्स निकालता हूँ। तो गाइस मुझे अभी एक और आइडिया है, थैनोस को है ना मैं जला देता हूँ, इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता हूँ, फिर इसमें आग लगा दूंगा। ये देखो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है यार ये राक्षस। गाइस मैं इसे है ना एक बार जलाने से पहले इसके है ना उसको गाउंटलेट को निकाल लेता हूँ, और फिर उस गाउंटलेट का यूज हम करेंगे। सो गाइस ये देखो, मैंने थैनोस के इस गाउंटलेट को निकाल लिया है, और अब जल्दी से है ना थैनोस को हम जला देते हैं और फिर उसके गाउंटलेट का हम यूज करेंगे, और थैनोस की सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। गाइस काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। तो गाइस चलो जल्दी से एक बार थैनोस को मैं जला देता हूँ। तो गाइस हमने आग तो लगा दी है, और अभी थैनोस को भी हमने जला दिया। वो देखो गाइस, हमने थैनोस को जला दिया है। गाइस हमने थैनोस को यार मार दिया है, कितनी मस्त और ओपी बात है। तो चलो गाइस एक बार थैनोस के इसको गॉन्टलेट को भी पहन लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितने ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हैं। सो गाइस हमारे फ्रैंकलिन ने थैनोस का गॉन्टलेट पहन लिया है, और अभी देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा पावर्स आई है। ये ले गाइस, हमारे अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, जबकि हमारे पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। ये देखो इसके गॉन्टलेट में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, लेकिन हमारे अंदर पावर ही नहीं है।
ओ माय गॉड यार ये क्या हो गया, और हमने थैनोस को भी मार दिया। मुझे लगता है कि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस? यार जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो और देखना हमारे फ्रैंकलिन के अंदर थैनोस की सबसे खतरनाक वाली पावर्स आ जाएंगी। तो जल्दी करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और हमारे अंदर थैनोस की पावर्स भी आ चुकी है। ये देखो भाई साहब कितनी तेज दौड़ पा रहा हूँ यार मैं, वो देखो। ओ भाई थैनोस के अंदर गाइस सच में काफी ज्यादा पावर्स हैं। ये देखो हम इन्हें भी मार सकते हैं। ये देखो गाइस यार हमारा फ्रैंकलिन थैनोस बन चुका है। गाइस यार कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है। तो चलो गाइस थैनोस की पावर्स को यूज करके देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा पावर्स आई है। सबसे पहले तो मैं ये टेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा फ्रैंकलिन अभी कितनी ऊंची जंप मार सकता है। तो चलो एक जंप मार के देखते हैं। ये लो, ओ भाई पूरा शहर दिखता है यार, कितनी ऊंची जंप मार सकता है। ओ भाई साहब सच में गाइज इन्फिनिटी स्टोन्स की तो यार बात ही कुछ हो रहे है। और ये देखो गाइज हमारे पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं जिसमें हमें बहुत सारी पावर्स मिली हैं। ये देखो भाई साहब सच में यार काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइज अपनी पावर्स को एक बार हम टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं। मैं एक थैनोस के सबसे खतरनाक वाली पावर्स को अभी यूज करने वाला हूँ, जो कि है ये वाली। हम किसी को भी किसी बंदर में बना सकते हैं या फिर किसी को भी किसी जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इनके ऊपर एक बार टेस्ट करते हैं कि मैं इन्हें क्या बनाता हूँ। ये ले, क्या बनाया भाई? ओ भाई ये देखो, इसको यार खरगोश बना दिया। ओ भाई सच में यार काफी ज्यादा ओपी पावर्स हैं। क्या हम किसी गाड़ी को भी बना सकते हैं क्या कुछ? चलो इसके ऊपर भी एक बार ट्राई करते हैं। ये ले, ओ भाई साहब ये देखो शार्क बना दिया यार एक गाड़ी को। ओ भाई यार सच में मानना पड़ेगा इन्फिनिटी स्टोन्स यार काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं। अभी एक बार इसके ऊपर भी ट्राई करता हूँ। ये लो, ओ भाई ये देखो इसके अंदर जो बंदा बैठा था ना कैसे ऊपर गिरा है। ओ भाई इसको भी हमने टाइगर शार्क बना दिया है। ओ भाई यार सच में मानना पड़ेगा गाइस थैनोस सच में काफी ज्यादा ओपी है। तो चलो गाइस अभी मैं ना अपनी अगली पावर को टेस्ट करता हूँ, जो कि है ये वाली। हाँ हम किसी को भी है ना स्टोन बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या हम किसी को भी पत्थर का बना सकते हैं क्या इसकी पावर की मदद से। यहाँ पर ये एक बंदा, इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ये ले, ओ भाई साहब, ओ भाई इस मोटी को भी, ओ भाई ये देखो पत्थर में कन्वर्ट कर दिया यार, सच में काफी ज्यादा मजेदार है। चलो गाड़ी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं वहां पर एक ये बस है, इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं। ये क्या बनेगी? ओ भाई इतनी बड़ी चट्टान बन गई यार पूरी बस, और जो उसके अंदर पैसेंजर बैठा था ना वो बाहर गिर गया। ये देखो कितना बड़ा पत्थर बन गया, काफी ज्यादा ही खतरनाक है गाइस ये वाला इन्फिनिटी स्टोन्स। तो मैं यार ये सोच रहा हूँ हमने थैनोस को तो मार दिया है, कहीं वो यार उल्टा जिंदा होकर ना आ जाए, क्या पता यार कुछ भी हो सकता है GTA की दुनिया में। सो गाइस अभी हमारे पीछे लॉस सैंटोस की सारी पुलिस पड़ चुकी है, और वो देखो यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस वाले हमारे ऊपर गोलियां मार रहे हैं। रुको तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, अभी देखना क्या करता हूँ मैं। ये देखो, ओ माय गॉड भाई यार ये क्या था, कितनी बड़ी क्रेन आकर गिरी है। चलो इसके ऊपर भी ये वाली पावर टेस्ट करते हैं। हम एक पोर्टल बना देते हैं जिसके थ्रू है ना मतलब दूसरी दुनिया से कुछ गाड़ियां यहाँ पर आकर इस पर हमला करेंगी। ये देखना एक पोर्टल बनाया, और अभी देखना कहाँ से आएंगी। ये देखो वो पोर्टल देखा गाइज, सच में यार कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थी। ओ माई गॉड काफी ज्यादा अमेजिंग पोर्टल बनाता है यार ये वाला थैनोस तो। तो चलो गाइज अभी हम दूसरी पावर को टेस्ट करते हैं, ये वाली है ब्लैक होल की। गाइज क्या आपको पता है कि हमारा थैनोस ब्लैक होल भी बना सकता है क्या? ये तो मुझे अभी पता लगा है। चलो यहाँ पर टेस्ट करते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक होल बना देता हूँ मैं बड़ा सा। ये हमने ब्लैक होल बनाया, और कुछ होता है क्या यहाँ पर? कुछ हुआ क्या यहाँ पर? गाइज अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। चलो यहाँ पर एक ब्लैक होल बना देते हैं। ओ ओ भाई साहब ब्लैक होल पूरी की पूरी गाड़ी को खा गया। ओ माय गॉड गाइस ये देखा आपने? तो गाइस अभी मैं यहाँ पर एक ब्लैक होल बनाने वाला हूँ, और उसका देखना क्या असर यहाँ पर होएगा। ये देखना अभी सारी गाड़ियाँ, वो देखा गाइस सारी की सारी गाड़ियाँ और सारे इंसान उस ब्लैक होल के अंदर समा गए। ओ भाई साहब कितना ज्यादा खतरनाक ब्लैक होल बनाता है यार, सच में भाई मानना पड़ेगा काफी ज्यादा ही खतरनाक है। और वो देखो, ओ भाई एक चोपर भी जा रहा है उसके अंदर। ये देखो इतना बड़ा ट्रक भी गया। ओ भाई ओ ओ भाई साहब गाइस हमें थैनोस का ब्लेड भी मिला है, तो चलो आपको वो वाला ब्लेड भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यार कितना ज्यादा ओपी ब्लेड है, मतलब इससे हम कितना ज्यादा खतरनाक हमला कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अभी यार मुझे ब्लेड से हमला करना था, उससे नहीं करना था। चलो एक और, ये देखो। ओ भाई साहब
एक ही हमले में पूरी गाड़ी तबाह कर दी हमने। ओ भाई कितना ज्यादा खतरनाक और पैना ब्लेड है ये वाली गाड़ी है, चलो इसके ऊपर एक बार हमला करते हैं। अरे अरे ये नहीं, ओ वो क्या हुआ? ओ भाई साहब सारी गाड़ियों को कैसे उठा रहा हूँ मैं। ओ भाई सच में यार, ओ भाई साहब एक हमला, ओ ओ भाई साहब जितने बंदों को मैंने उठाया था ना सारा उसके ऊपर हमला गया है, जो मैंने गाड़ी वो मतलब एक पॉइंट की थी उसके ऊपर हमला हुआ है सारा। भाई सच में यार थैनोस की पावर काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन वो क्या था गाइस मैंने पीछे कुछ देखा है कुछ तो। ओ ओ भाई साहब, ओ गाइस यार ये थैनोस कहां से आ गया, इसे तो हमने मार दिया था। गाइस ये देखो मुझे लग रहा है कि वो वाला असली थैनोस नहीं था, ये देखो यार इसने तो सारे तरह के मतलब कपड़े भी पहन रखे हैं अजीब से। ओ भाई यार कहां पर गया, ये रहा थैनोस, तेरी तो भी बताता हूँ, ये ले तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटा। अभी रुक तू, कहाँ पर गया वो वाला थैनोस? हमारे पास थैनोस का गोंटलेट तो है लेकिन ये वाले इस वाले थैनोस के पास भी। ओ भाई ये भी काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहे हैं, तेरी तो अभी बताता हूँ, रुक ये ले। ओ भाई गाइस यार इस थैनोस के पास काफी ज्यादा पावर्स है। ओ भाई साहब कहाँ पर गाइस, ये हमें उठने नहीं दे रहे है, कहाँ पर है, रुक तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे, अभी खुले में आना, खुले में आ, खुले में अभी बताता हूँ, ये ले ये देखा आया मजा। तो गाइस अभी हम बीच पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा खुली जगह है, वो देखो थैनोस आ रहा है, तेरी तो ये ले एक हमला तेरा और अभी बता दो। ओ भाई साहब ये भी काफी ज्यादा तगड़े हमले करता है, अभी बता दो, ये ले ब्लेड मेरा, ये ले एक और हमला और थैनोस का खेल खत्म। कहाँ पर है बेटा, अभी हमला करने आएगा, ये ले एक और हमला। ओ भाई साहब ये कौन सी पावर मार रहा है, हमारे पास भी है क्या ये वाली पावर, शायद ये वाली मार रहा है, अभी बताता हूँ तुझे, रुक ये ले कहाँ पर गया। ओ भाई साहब आग लग गई यार हमारे अंदर, चलो समुद्र के अंदर एक डुबकी मारते हैं, चलो बच तो गए। ओ भाई समुद्र के अंदर भी हमारे अंदर आग कैसे लग रही है। गाइस ये वाला थैनोस देखो तो कितना ज्यादा बड़ा है, गाइस ये वाला थैनोस काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसे है ना पत्थर बना दूं, फिर देखते हैं कि ये हम पर हमला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कहाँ पर है तू? ओ भाई इसके पास भी ब्लेड है, तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे, पत्थर का बना देता हूँ, ये ले ये ले। ओ भाई इसे हमने पत्थर का बना दिया, भाई इसमें काफी ज्यादा पावर्स है, ये देखो ये अपने अंदर पत्थर से भी डिकोड कर ले रहा अपने आप को। गाइस ये देखो हमने इसे आधा तो पत्थर का बना दिया है, बस थोड़ा ही बचा है, रुक तेरे तो अभी बताता हूँ, ये ब्लेड का हमला ले, ये ले ये ले। ओ भाई साहब कितना ज्यादा ओपी है ये थैनोस भी, तेरे तो अभी बताता हूँ, ये ले ये ले। तो गाइस हम फाइनली थैनोस को मारने ही वाले हैं। सो गाइस अभी मुझे पता नहीं लग रहा कि वो थैनोस कहां पर छुप गया जाकर, ये देखो मैंने यहां पर काफी ज्यादा ढूंढ भी लिया है, आई थिंक वो अपनी दुनिया में चला गया है, और मैंने यार उसे काफी ज्यादा तगड़े वाले मारे थे। गाइस यार काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है थैनोस बनकर, और ये पुलिस वाले यार पता नहीं मुझे क्यों मार रहे हैं, चलो इन सबको पत्थर का बना देता हूँ। कहां पर इनका चोपर भी है ना, इसे भी पत्थर का बना देता हूँ। ओ भाई साहब हमने एक चोपर को भी यार कितनी बड़ी चट्टान बना दी। ओ भाई सो गाइस आज के वीडियो काफी ज्यादा एपिक हो चुकी है, और इसमें हमने थैनोस को मारा और फिर उसे जला भी दिया था, और उसके बाद हमने उसका गोंटलेट लेकर पूरे शहर में तबाही कर दी, जिसके बाद हमने एक असली थैनोस के साथ भी फाइट की। तो गाइस मैं आपको इस थैनोस की सारी पावर्स नहीं दिखा पाया हूं, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हमारा फ्रैंकलिन थैनोस के इस गोंटलेट की सारी पावर्स आपको दिखाए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हमारा फ्रैंकलिन इस गोंटलेट की सारी पावर्स आपको दिखाएगा। गाइस सच में इस गोंटलेट में बहुत ज्यादा पावर्स है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी खतरनाक वीडियो में।